बिस्किट का लड्डू सिखाने वाली हूँ। पहले हम लेंगे मैरी को बिस्किट बुका, वो लेने के बाद लेंगे ओरियो बिस्किट बुका, फिर हम लेंगे ओट्स बिस्किट बुका, अब चॉकलेट बार बुका डालेंगे। वो डालने के बाद अच्छे से उसको करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद ये मिक्स हो गया, उसके बाद हम लेंगे चॉकलेट, डेयरी मिल्क चॉकलेट, वो लेने के बाद हम ऑलिव ऑयल लेंगे, वो भी लेने के बाद मिल्क लेंगे, मिक्स करने के बाद मिल्क लेंगे थोड़ा सा ही, क्योंकि हमको उसको अच्छा बनाना है। वो लेने के बाद मुझे और मिल्क लेना होगा, ज़्यादा मत डालना क्योंकि और बहुत पानी हो जाएगा, इसलिए लिए हैं, नहीं तो आपका लड्डू नहीं बनेगा। लड्डू बनाने के लिए हमको मिल्क डालना था, ये आप इसको हाथों से लड्डू बनाया गया। ये देखो हमने पूरा पता दिया है, अब हम कोकोनट इधर लाएंगे, हम थोड़ा कोकोनट डालेंगे जैसा हमको पसंद हो वैसा। अब इसमें शक्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पान बिस्किट में शुगर होता ही है। बिस्किट आपका घर में बच सकता है, तो फिर आप बच्चों को दे भी सकते हो, ताकि आपको घर में बचे ना तो आप मंगा सकते हो। ये हमारे बिस्किट लड्डू तैयार है। होप यू लाइक माई वीडियो, आप अगर जो ये अच्छा और अच्छे से नहीं बनता तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हो। थैंक यू, बाय। बहुत टेस्टी है ये, हम खा भी सकते हैं उसको। बाय।